नमस्कार, मैं सोनल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। कोरोना काल में अनाथ बच्चों के लिए सौगात, पीएम केयर्स फंड की हुई शुरुआत। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चे जिन्होंने कोरोना के चलते अपने माता पिता को खो दिया है, उनको सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड से इन बच्चों की मदद करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने चिल्ड्रन केयर फंड पर बात करते हुए कहा, ये केयर फंड इस बात को साफ दर्शाता है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से इन बच्चों के साथ है। बच्चों की रोजमर्रा जरूरत से लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई समेत स्वास्थ्य का जिम्मा पीएम मोदी का ये केयर फंड उठाएगा। हार्दिक पटेल आज भाजपा में नहीं होंगे शामिल, खारिज की अटकलें। गुजरात कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया है जिसमें कहा गया था कि वह आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हार्दिक पटेल ने कहा कि वह आज भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं। दूसरी ओर हार्दिक ने पंजाब में गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। हार्दिक ने ट्वीट किया कि पंजाब को इस दुखद घटना के साथ एहसास हुआ है कि कितना घातक होता है जब सरकार अराजक हाथों में जाती है। कुछ दिन पहले चर्चित कबड्डी खिलाड़ी की हत्या हुई थी और अब प्रसिद्ध कलाकार सिद्धू मूसेवाला की हत्या अहम सवाल खड़े करती है। मूसेवाला के पिता का दावा, फिरौती के लिए धमकाता था लॉरेंस बिश्नोई गैंग। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने एफआईआर में कहा कि उनके बेटे को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग काफी समय से धमकियां दे रहा था और फिरौती मांग रहा था। मूसेवाला को कई बार फिरौती के लिए धमकी भरे फोन आए थे। सिद्धू के पिता बलकौर सिंह ने कहा कि मैं उसके पीछे पीछे सरकारी गनमैन को लेकर दूसरी गाड़ी से गया था। मेरे बेटे की थार जब जवाहर के गांव के बाहरी रास्ते के पास पहुंची तो वहां एक बोलेरो गाड़ी पहले से खड़ी थी, उसमें चार लोग बैठे थे। जैसे ही मूसेवाला की गाड़ी उस बोलेरो के सामने पहुंची तो चार बदमाशों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बाद में बदमाश बोलेरो और कोरोला गाड़ी से फरार हो गए। दिल्ली एनसीआर में 25 जून को आएगा मॉनसून, होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून तय समय से 3 दिन पहले केरल पहुंच गया है और वहां झमाझम बारिश हो रही है। आमतौर पर केरल में मॉनसून 1 जून को पहुंचता है। मौसम विभाग ने कहा कि मॉनसून को अगले पड़ाव कर्नाटक और पूर्वोत्तर में पहुंचने में 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। मॉनसून के 10 जून तक महाराष्ट्र और 20 जून तक गुजरात पहुंचने का अनुमान है। मॉनसून दिल्ली एनसीआर में 25 जून तक पहुंच सकता है। पिछले 10 साल में तीसरी बार मॉनसून ने समय से पहले दस्तक दी है। नेपाल में लापता हुआ विमान क्रैश, हादसे में 4 भारतीयों समेत 22 यात्रियों की दर्दनाक मौत। नेपाल के एयरलाइंस तारा एयर का विमान 9NE80 एक हादसे का शिकार हो गया है। क्रैश हुए तारा एयरलाइन के प्लेन के मलबे की तस्वीर सामने आई है। बता दें कि वहां की आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम को मुस्तांग के सेनोस्वेयर इलाके की पहाड़ी पर इसका मलबा मिला है। तस्वीर आने के बाद नेपाली मीडिया ने दावा किया है कि प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। हालांकि रेस्क्यू टीम को अब तक मलबे में 16 लोगों के ही शव मिले हैं। विमान में 4 भारतीय और 3 क्रू मेंबर समेत 22 लोग सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान 43 साल पुराना था। चीन के मिशन प्रशांत ने बढ़ाई चिंता, 10 छोटे देशों के साथ सुरक्षा समझौते की तैयारी। दक्षिण चीन सागर पर कब्जे की कोशिश में लगा चीन अब प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर रहा है। चीन सोलोमन द्वीप समेत प्रशांत महासागर के 10 छोटे द्वीपों के साथ सुरक्षा समझौता कर रहा है जिससे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को डर है कि चीन उनकी सीमा से कुछ 100 मील दूरी पर स्थित इन देशों में सैन्य अड्डा बना सकता है। चीन ने अपने नए सुरक्षा समझौते में आर्थिक सहयोग को सुरक्षा से जोड़ दिया है। इसमें फ्री ट्रेड एरिया बनाना शामिल है जो पहले से मौजूद व्यापार समझौते के साथ टकराव पैदा कर सकता है। चीन अब इन 10 देशों में पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयारी कर रहा है। एक्ट्रेसेस और मॉडल की मौतों से हिली बंगाल की टेली फिल्म इंडस्ट्री, सामने आया 4th केस। पश्चिम बंगाल में बीते 15 दिनों में अभिनेत्रियों और मॉडल्स की मौत का 4th मामला सामने आया है। अब बेदियाडांगा में 18 वर्षीय मॉडल सरस्वती दास ने अपने कमरे के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
सरस्वती दास मेकअप आर्टिस्ट थी और मॉडल बनने के लिए प्रयास कर रही थी। इससे पहले तीन और एक्ट्रेसेस व मॉडल्स के सुसाइड केस सामने आ चुके हैं। लगातार हो रही आत्महत्या की घटनाओं ने बंगाल की टेलीफिल्म इंडस्ट्री को सकते में डाल दिया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।